हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, जिसको जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1826 में ये लॉ डिस्कवर किया गया है। इस लॉ में उन्होंने बताया है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। उस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक एंड से दूसरे एंड तक, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे बोला जाता कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर इंक्रीज करता तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता, पर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट अगर इंक्रीज कर रहा है कंडक्टर में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस पे ये लॉ बताए थे। वो कंडीशन ये था कि जो टेम्परेचर होना चाहिए कंडक्टर का वो सेम होना चाहिए, और उसमें जो कुछ फिजिकल कंडीशन होते हैं कंडक्टर्स के वो भी सेम होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। मेनली इसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए कंडक्टर के। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें जो ये बोले हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है। अगर हम लोग पोटेंशियल यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू लगता है, और उसके जगह प्रोपोर्शनैलिटी के जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये कांस्टेंट जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आर आता है, तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है वी इज इक्वल टू आई आर। जो आर होता है यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। इसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के भी नाम से जानते हैं। आर का जो यूनिट होता है ओम होता है। अब अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ देखें अगर हम लोग, तो ग्राफ उसका कुछ इस टाइप से बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ भी ये 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इंक्रीज किए, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इंक्रीज किए, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है ऐसे, यहाँ नीचे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ऊपर इलेक्ट्रिक करंट रहता है। इस ओम्स लॉ से जो हम लोग को फॉर्मूला मिला है वी इज इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग पोटेंशियल अगर कहीं निकालना होगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया उसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को बोल दिया पोटेंशियल निकालने, तब तो हम लोग सिंपली निकाल लेंगे। अगर हम लोग को पोटेंशियल दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया और इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, बोल दिया कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इधर ही छोड़ देंगे, आई को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं।